फ्यूचर में हम अपना जो एड है, फर्स्ट एड है फेसबुक के ऊपर, उस एड को लगाना सीखेंगे। और जो कैंपेन मैं इस वक्त रन करूँगा वो होगी मैसेजेस कैंपेन, फर्स्ट कैंपेन जो होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने ऐड अकाउंट की तरफ। ये मैंने अपना, जब आप अपना फेसबुक का ऐड अकाउंट ओपन करेंगे तो इस तरह उसका इंटरफेस जो होगा वो आपको दिख रहा होगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ऐड हमने लगाना है वो ये मैंने कैनवा के ऊपर जो है इसको फाइंड किया। बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं की, बना बनाया टेम्पलेट था एक लेदर जैकेट से रिलेटेड, तो उसमें एक दो चीज़ें मैंने चेंज कर दी स्लाइटली, और इसी को हम एज अ ऐड यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट का डेटा होगा वो कुछ इस तरह होगा। मैंने यहाँ समराइज़ किया हुआ है। अब प्रोडक्ट वन है तो प्रोडक्ट वन जो होगी वो इस तरह होगी। प्रोडक्ट टू, इसकी कुछ मैंने इमेजेस ले ली हैं, रेडी कर ली हैं इस तरह। मल्टीपल जैकेट्स जो हैं वो मैंने प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, थ्री, फोर इस तरह डिफरेंट वेरिएशंस के साथ इसको अपने पास सेव कर लिया, जो कि अभी कैंपेन चलाते वक्त हमारे काम आएंगे। तो आ जाते हैं इस पर, क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंसिडरेशन पे क्लिक करना है मैसेजेस पे। इस वक्त हम मैसेजेस कैंपेन चला रहे हैं, लेटर हम कन्वर्जन कैंपेन के ऊपर जाएंगे। और कन्वर्जन कैंपेन के मुताबिक आपने याद रखना, आप उस वक्त चला सकते हैं जब आपके पास एक वेबसाइट हो। वेबसाइट हम अपनी शॉपिफाई पर डेवलप करेंगे तो उस शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर हम कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे, जिससे आपका यूज़र डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा और परचेज जो होगी वो आपका जो यूज़र होगा वो कस्टमर जो होगा वो कन्वर्ट होगा उस पर। तो सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं मैसेजेस पे। मैसेजेस पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है नेम योर कैंपेन, ये ऑप्शनल होता है कैंपेन का नाम रखना। जैसा कि मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में, कि सबसे जो एक ट्री फॉर्म होता है इसमें सबसे ऊपर कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं और एड सेट के अंदर आपके एड क्रिएटिव होते हैं। बहुत डिटेल में हमने कैंपेन स्ट्रक्चर को समझा था। तो यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं, बहुत से लोग देते हैं कैंपेन का नाम, बहुत से लोग नहीं देते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जब आप बहुत सारी मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे होंगे तो याद रखने के लिए आप कैंपेन, इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप कैंपेन का नाम दे दें। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ लेदर क्रू कैंपेन वन, और मैसेजेस, क्योंकि मैं मैसेजेस कैंपेन रन कर रहा हूँ तो याद आने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले अपनी ब्रांड या पेज का नाम रख दिया। किस नंबर की कैंपेन है वो रख दिया मैंने, कैंपेन वन है तो C1 कह रहा हूँ मैं इसको, मैसेजेस कैंपेन है तो मैं इसको मैसेजेस कह रहा हूँ। सेम ये काम मैं एड सेट के ऊपर भी करता हूँ और एड क्रिएटिव पे भी करता हूँ। एड सेट को भी मैंने यही नाम दे दिया लेदर क्रू, इसको मैं A1 कह देता हूँ, एड सेट वन, और AD1 कह देता हूँ मैं इसको, एड सेट AS1 और AD1। आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम मल्टीपल कैंपेन्स रन करते हैं फेसबुक के ऊपर तो जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए वर्क मैनेजमेंट ईजी होगा, आपके लिए कैंपेन्स को के जस्ट नाम पढ़ के समझ जाना कि उस कैंपेन के अंदर क्या कहानी चल रही है वो आपके लिए ईजी होगा। तो इसलिए प्रायोरिटी ये होती है कि हम कैंपेन का जो नाम है वो ईजी चूज़ करें और इस तरह का चूज़ करें कि आप उसको याद रख सकें। इसके बाद मैं क्लिक कर दूँगा कंटिन्यू पर। अगर आपके पास एड अकाउंट जो है वो थोड़ा सा न्यू है तो हो सकता है आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो। अगर इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, इंगेजमेंट, क्योंकि इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में ही आप यहाँ पे मैसेज कैंपेन रन करते हैं, अगर इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो रहा है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास मेरी तरह का इंटरफेस शो हुआ था तो आप मैसेज पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कैंपेन पर हमने स्टार्ट किया था, ओके किया था, तो उसके बाद ये इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे कैंपेन की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, फेसबुक हमसे इसको कस्टमाइज़ करने का बोलेगा। फेसबुक बोलेगा सबसे पहले अभी अपनी कैंपेन की सेटिंग करो, इसमें चीज़ें सेटअप करो। उसके बाद फेसबुक आपसे बोलेगा कि आप अपने एड सेट को सेटअप करो। उसके बाद थर्ड नंबर पे यू विल हैव टू
मैनेज योर एड। तो कैंपेन का नाम यहाँ पे ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्पेशल एड कैटेगरीज डिक्लेयर इफ़ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इशूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। रिक्वायरमेंट्स डिफर बाय कंट्री। तो यहाँ पे कैटेगरी हम एज सच कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एड प्योरली ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ना तो ये क्रेडिट कार्ड है, ना तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई जॉब ऑफर है, ना तो ये कोई इलेक्शन, पॉलिटिक्स और सोशल इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम वैकेंट छोड़ देंगे। अच्छा, कैंपेन डिटेल में बोल रहा है बाइंग टाइप, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको वैसे ही रहने देना, ऑक्शन ही रहने देना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैसेजेस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इसको यहाँ से हमने नहीं छेड़ना। अब ये पूछ रहा है शो मोर ऑप्शन। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट बेसिकली ये होती है कि आपने सपोज जो है यहाँ पे लिमिट सेट कर दी 20,000 रुपये और आपने पर डे का एड चला दिया। मीन्स कि आपने फेसबुक को ये बोला कि भाई मेरे 1,000 रुपये डेली के खर्च करो, पर डे मेरी जो स्पेंडिंग होनी चाहिए ऐड पे वो 1,000 रुपये होनी चाहिए, और जब मैं 20,000 रुपये को टच कर जाऊँ तो वो कैंपेन मेरी स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा हम कोई लिमिट सेट करना भी नहीं चाहेंगे। इसके बाद है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट बेसिकली जैसा कि नाम से इंडिकेट है, जब आप दो डिफरेंट कैंपेन्स को कंपेयर करते हैं आपस में, आई रिपीट, जब दो डिफरेंट कैंपेन्स को आप आपस में कंपेयर करते हैं, उनका टेस्ट रन करते हैं कि कौन सी कैंपेन मुझे अच्छा रिजल्ट दे रही, कौन सी कैंपेन मुझे बैड रिजल्ट दे रही, उसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, तो आप ए बी टेस्टिंग को ऑन करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा सच कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बिल्कुल एक इनिशियल कैंपेन लगा रहे हैं, हमें अभी ए बी टेस्ट कंडक्ट नहीं करना। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ आपको। अच्छा तो जी, सपोज़ ये आपकी कैंपेन है C1, ये C कह देते हैं। इस कैंपेन के अंदर आपके पास दो एड सेट हैं, एड सेट वन और ये यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एड सेट टू, और हर एड सेट के अंदर आपने दो दो एड लगाए हुए हैं। मीन्स के आपका जो विजिबल पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो ऐड होता है। ऐड क्रिएटिव वन यहाँ पे आ गया, टू आप समझ जाइएगा कि ये वन और टू है नीचे, इस तरह ये एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि जब आप अपना बजट डिफाइन करते हैं कि मेरी कैंपेन का बजट ये होना चाहिए, तो आप वहाँ पे हर ऐड सेट को कोई स्पेसिफिक बजट दे देते हैं। सपोज मैंने इसको दे दिया 1,000 रुपये और इसको भी दे दिया 1,000 रुपये, सही है। तो ये एड सेट जो होगा मेरा, ये इन 1,000 रुपये को खर्च करेगा अपने पास, और इसका जो एड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो उस पर उतने ज़्यादा पैसे लगाएगा। जैसे इस वाले एड सेट से इसको, सॉरी, एड से इसको पैसे, मतलब बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं, कन्वर्जन अच्छी आ रही हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 1,000 में से ज़्यादा पैसे इस पे लगाएगा और कम पैसे इस वाले पे लगाएगा। सपोज़ 700 रुपये ये इस पे लगा देगा, 300 रुपये इस पे लगा देगा, क्योंकि ऐड को, अपने ऐड सेट को आपने ये फ्रीडम दिए कि भाई ये 1,000 रुपये तुमने पूरे करने, पर डे आपने 1,000 रुपये का ऐड लगाया, मैं इस वक्त पर डे ऐड की बात कर रहा हूँ, पर डे आपने 1,000 रुपये का ऐड लगाया और आपने इस ऐड सेट को फ्रीडम दे दी कि भाई तुमने जो है वो 1,000 रुपये पूरे खर्च करने हैं, और इन दोनों ऐड क्रिएटिव्स में से या इन दोनों ऐड्स में से सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा होगा उस पर तुमने ज़्यादा शेयर देना है उसको 1,000 रुपये में से। सेम यही काम आपने इसके साथ भी किया। तो ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपका ऐड सेट जो होगा वो आपके इस बजट को ऑप्टिमाइज कर देगा, इसकी जो नीचे इसके एड्स चल रहे हैं इसमें, इस विद इन दिस ऐड सेट जो जितने भी एड्स चल रहे हैं उसमें उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उस पर सबसे ज़्यादा पैसे लगा देगा। सेम इज़ द केस विद दिस एड सेट। तो ये कहलाती है ए बी ओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाना था लेकिन इसी में मैंने कवर कर दिया है इसको, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन को, कैंपेन सी बी ओ को। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब CBO क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वो जो ऑप्शन आपने भी देखा है कैंपेन में, इसको टॉगल करने का, ऑफ या ऑन करने का,
वो ये होता है कि हम एड सेट को पैसा नहीं देते, हम दे देते कैंपेन को पैसा। कैंपेन को हमने दे दिए 2,000 रुपये। कैंपेन को बोला कि भाई साहब आपने करना ये है कि ये 2,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, जो एड सेट्स अच्छा परफॉर्म करे उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगा दो, मतलब इन 2,000 रुपये को नीचे पूरा स्प्लिट कर दो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। सपोज ए टू या एड सेट टू जो है हमारा ये अच्छा काम करता है, तो जो कैंपेन होगी हमारी इस 2,000 रुपये का ज़्यादा शेयर इसको देगी, उसमें से भी वो जो 2,000 रुपये का ज़्यादा शेयर उसको मिल रहा होगा उसमें से भी आपका जो एड होगा उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा होगा, और जो कम परफॉर्मिंग एड होगा उसको कम शेयर मिल रहा होगा। इस तरह ये पूरी कैंपेन जो होगी इसमें बजट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपना फर्स्ट ऐड लगाएं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सीबीओ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जाएं एबीओ के ऊपर, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। जब आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे और मल्टीपल आपके एड क्रिएटिव्स होंगे, तो उसके बाद फिर आप जो है वो सीबीओ के ऊपर जाते हैं सेकेंड फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में आप सीबीओ के ऊपर नहीं जाते, ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी में आगे डिटेल में भी डिस्कस करूँगा कि आपने ई कॉमर्स की स्ट्रेटजी अपनी क्या रखनी है। स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल इतना याद रखें कि स्टार्टिंग में आपने जाना है एबीओ के ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस वक्त आपका कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एडसेट अच्छा काम करेगा। फर्स्ट फेज़ में आप हमेशा अपना विनिंग क्रिएटिव फाइंड करते हैं, अपना विनिंग एड यानी कि फाइंड करते हैं और विनिंग एडसेट फाइंड करते हैं। जब आपके पास 2 से 3 विनिंग एड और 2 से 3 विनिंग एड सेट होते हैं, उसके बाद फिर आप एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं और जितने विनर्स होते हैं उसको अपनी कैंपेन में रखते हैं और उसमें सीबीओ ऑन कर देते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस तरह करें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि फेसबुक एड्स में ऐसा नहीं होता कि वन शू फिट फॉर ऑल, कि कोई एक विनिंग स्ट्रेटजी है, कोई एक गोल्डन स्ट्रेटजी हो जो कि हमेशा काम करती हो और हमेशा उसके ऊपर आपको रिजल्ट आए, कोई टॉप सीक्रेट ऐसा हो या कोई सीक्रेट रेसिपी ऐसी हो कि बस जो मैंने पकड़ ली उस पर रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और इवन के आप जैसी ब्रांड कोई दूसरा बंदा सेल आउट कर रहा है, हो सकता है आप उसकी स्ट्रेटजी को कॉपी करें, वो आपके पास काम ना करें, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिथम में ऐसी एनोमलीज पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे के पास सेम स्ट्रेटजी पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सेम स्ट्रेटजी बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने के बाद आप भी, आपके पास भी बिल्कुल वैसे रिजल्ट आ रहे हो। आपके पास उससे अच्छे भी आ सकते हैं, उससे बुरे भी आ सकते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपने टेस्टिंग करनी होती है कि कौन सा एड क्रिएटिव आपका अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एड सेट आपका अच्छा काम कर रहा है, उसी के साथ फिर आपने जाना होता है, उसी में अच्छा पैसा लगाना होता है, आपने उसी को स्केल करना होता है, उसी को बढ़ाना होता है। कोई ऐसा सच नहीं होता। मेरे जो पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में, 4 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है फेसबुक एड्स में, कि एकदम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने बिल्कुल ये रूल फॉलो करना और इससे यू विल गेट टू मच हायर रिजल्ट्स। लेकिन कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, उन गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के नतीजे में हम अपने सक्सेस के चांसेस को मैक्सिमाइज कर देते हैं, ये अलबत्ता एक रियलिटी है। तो उस तरह से अगर आप चलेंगे, उन गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, तो चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं कि आपकी जो कैंपेन होगी वो सक्सेसफुल कैंपेन होगी। तो आ जाते हैं दोबारा अपने इसके ऊपर जो हम ऐड बेसिकली प्लेस करने वाले थे। तो जी, इस वक्त हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसमें ऑन नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ गया इसमें, अब हम आ चुके हैं कैंपेन से अपने एड सेट लेवल पे, AS1 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि इस वक्त जो हम कैंपेन रन करने वाले हैं वो मैसेजेस कैंपेन रन करने वाले हैं। तो मैसेजेस कैंपेन में हम यहाँ पे मैसेंजर को टिक कर देंगे। व्हाट्सएप को अभी इस वक्त आप टिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अभी व्हाट्सएप को टिक किया तो इशू ये आएगा कि अभी फेसबुक इतनी जल्दी अलाउ नहीं करता कि आप व्हाट्सएप को भी कनेक्ट करें, क्योंकि पेज ने है, ऐड अकाउंट ने है, और ये ऐड अकाउंट मेरा है भी नहीं, एक फेलो का ऐड अकाउंट है जो कि मैंने समझाने के लिए उससे फ़िलहाल बोरो किया हुआ, क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट के ऊपर चीज़ें जो हैं वो शेक नहीं कर सकता, उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड अदर मैटर्स। तो ये फ़िलहाल मैंने बोरो किया हुआ कहीं से ऐड अकाउंट, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, न्यू अकाउंट है और व्हाट्सएप इसके ऊपर अभी वर्क नहीं करेगा। तो व्हाट्सएप को हम फिलहाल यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, इंस्टाग्राम को भी फिलहाल यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल हो इंस्टाग्राम की, जो आपने
तो वो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपसे मांगेगा कि आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करो यहाँ से। तो फिलहाल तो इंस्टाग्राम हम कनेक्ट कर नहीं रहे हैं इस पर, तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक आपका सेक्शन है, बजट एंड स्केजुअल। अभी आपसे पूछ रहा है, देखें बजट यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइफ टाइम बजट, एक होता है डेली बजट। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि आप एक बजट सेट कर देते हो कि भाई मेरा 10,000 रुपये का बजट है, और फेसबुक को ये ऑप्शन दे देते हो कि तुमने इतने दिन तक कैंपेन चलानी है इस पर। अब जैसे मैंने लाइफ टाइम बजट पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कब से कब तक कैंपेन चलानी है, अभी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट हम यहाँ पे दे देते हैं। तो फेसबुक उस हिसाब से अपनी स्पेंडिंग करता है, लेकिन हम नॉर्मली, पर्सनली मैं कभी भी लाइफ टाइम बजट यूज़ नहीं करता, और ना ही और कोई इसको यूज़ करता है। 99% ऑफ द टाइम हम जो यूज़ करते हैं वो डेली बजट यूज़ करते हैं, स्पेशली इन लोकल ई कॉमर्स मार्केट आप डेली बजट के ऊपर ही जाते हो। बजट जो आपने रखना है स्टार्टिंग में, कभी भी हैवी बजट नहीं रखना है। स्टार्टिंग आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग आपने 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे के बजट से स्टार्ट लें। आप इससे कम से भी ले सकते हैं, 500 रुपीज़ का भी लगा सकते हैं। मिनिमम जो बजट यहाँ पे लगेगा वो लगेगा क्लोज टू, इस वक्त जो भी डॉलर के रेट चल रहे होंगे, मैं 200 लगाऊंगा तो ही मना कर देगा। अभी बोल रहे देखें योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 236 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं बजट सेट करता हूँ 500 रुपीज़। सपोज आपने 500 सेट नहीं करना, आपने सेट करना है अराउंड 1000 से ऊपर ही आप सेट करें स्टार्टिंग में। हाँ अलबत्ता मुझे याद आया कि वेट अ सेकेंड, जी तो आपने यहाँ पे जो बजट रखना है वो, अगर आप मैसेजेस कैंपेन चला रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आप 3000 से ज़्यादा का बजट ना रखें, अगर आप अकेले मैसेजेस को हैंडल कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, आपके लिए दिन भर उन मैसेजेस को टैकल करना, उनको रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा। तो मैसेजेस कैंपेन आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। डेली बजट मैंने रखना है यहाँ पर, और सेट एन एंड डेट सेट नहीं करनी हमने यहाँ पे। एंड डेट जब भी हमें अपना ऐड क्लोज करना होगा हम मैनुअली करेंगे इसको, जब भी हमें अपना ऐड क्लोज करना होगा हम खुद से इसको जो है वो टॉगल करके टिक ऑफ करके इसको हम बंद कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे हम इसको। जब आप ऐड लगाएं तो कोशिश करें कि रात 12 बजे से स्टार्ट करें, आपने ऐड जो है वो रात 12 बजे से स्टार्ट करना। और जैसे आज अगर 3 अगस्त है, 3rd of August है, तो आपने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर देना है कि आपका ऐड जो स्टार्ट हो वो स्टार्ट हो रात के 12 बजे से नेक्स्ट डेट को। इस तरह बजट की ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तौर पे हो पाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब एक सेक्शन है ऑडियंस के, ऑडियंस क्या रखें। देखिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि लोग ये कहते हैं कि इस चीज़ को लोग इतना ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट करते हैं कि नहीं जी ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए, इसमें आपको ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए तो इससे ये सेल्स आएंगी, फलां आप इंटरेस्ट रखेंगे तो आपका जो है वो 7 फिगर क्रॉस कर जाएंगे, इस पे सेल्स ही सेल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। आज से 1 साल पहले 2 साल पहले 3 साल पहले फेसबुक एड्स की डायनेमिक्स कुछ और थी, अब कुछ और हैं। अब फेसबुक का AI इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि अगर आप उसको कोई पार्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं भी देंगे तब भी फेसबुक आपके एड कॉपी को जज करके उसके कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो उसके इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे, जो इंटरेस्टेड उसके प्रोस्पेक्ट्स होंगे, उनको आपका ऐड थ्रो कर देगा, उनको आपका ऐड जो होगा वो दिखाना शुरू कर देगा। ये एक रियलिटी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट सेलेक्ट ना करूँ, अब यहाँ पे बोले क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे बेसिकली आप टारगेटिंग करते हैं यहाँ पे कि फला, लाइक इफ़ यू आर सेलिंग अ गेम CD या गेम DVD, तो आप यहाँ पे टारगेट करेंगे पीपल हु लव्स गेम। तो इस तरह आप डिफरेंट इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो उस इंटरेस्ट की बेस के ऊपर फेसबुक उसको ऐड जो होता है वो रेलेवेंसी क्रिएट करता है। लेकिन अब चीज़ें डायनेमिक्स थोड़ी सी चेंज हो गई, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट वो कोई पार्टिकुलर सिलेक्ट नहीं भी करते तब भी फेसबुक का AI इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी, आपके ऐड को जज करके, आपकी ऐड कॉपी को जज करके ये चीज़ फिगर आउट कर लेता है कि हु इज़ योर इंटरेस्टेड कस्टमर, हु इज़ योर इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट। तो बहुत सारे ऐड ऐसे हैं जो कि मैंने बगैर किसी टारगेटिंग को छेड़े इवन के रन किए, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड टारगेटिंग या ओपन टारगेटिंग। तो उस ओपन टारगेटिंग पे भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और फिर मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी की अपने एडसेट में, डिफरेंट सॉरी अपनी कैंपेन में
मल्टीपल एड सेट मल्टीपल इंटरेस्ट के भी लगा के देखें तो बहुत ज़्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आता। आप के एड कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, नंबर वन आपका एड क्रिएटिव कितना अच्छा है, नंबर टू कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अपीलिंग है। उस प्रोडक्ट की अपीलिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है, मार्केट रिसर्च आ जाती है कि वाकई में उस प्रोडक्ट की कोई मार्केट है या नहीं है, मार्केट डिमांड कितनी है, कंपटीशन उसमें कितना है, आपका डिज़ाइन कैसा है, और जो फर्स्ट चीज़ मैंने बताई वो बताई थी आपके ऐड का जो विजिबल पार्ट है, जो ऐड क्रिएटिव होता है, जो दिख रहा होता है कस्टमर को। ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा आपने जो मेहनत करनी है, सबसे ज़्यादा जो आपने टाइम स्पेंड करना है वो अपने ऐड क्रिएटिव में करना है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस आउट करते हैं टारगेटिंग को कि टारगेटिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी टारगेटिंग ही बस सब कुछ है, एड क्रिएटिव अगर उनको अच्छा नहीं होगा तो ट्रस्ट में आप दुनिया जहान की टारगेटिंग यहाँ से सेट कर लें कभी भी आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स इतने नहीं मिलेंगे जब तक आपका एड क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में इंजेक्ट कर लेनी है। तो सबसे पहली जो कैंपेन आप रन करें उसमें आप ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर जाएं, कोई स्पेशल पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप सेलेक्ट ना करें, ये मेरा आपको मशवरा है। इससे आपको पता लगेगा कि आपके ऐड क्रिएटिव में कितना पोटेंशियल है और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो जब आप नेक्स्ट फेज़ में मूव करेंगे तो उसके बाद फिर हम स्टैकिंग करेंगे अपने ऐड सेट्स की, एक ऐड सेट उसमें से बनाएंगे ब्रॉड टारगेटिंग वाला और दो तीन चार ऐड सेट्स हम मज़ीद क्रिएट करेंगे जिसमें हम सिंगल इंटरेस्ट प्लेस करेंगे और कैंपेन जो है वो उसके बाद हम रन करेंगे। फर्दर उससे हम फिगर आउट कर लेंगे कौन सा इंटरेस्ट हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम आगे जैसे प्रोसीड करेंगे तो हम CBO कैंपेन रन करेंगे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली, उसमें हमारे मल्टीपल एड क्रिएटिव्स और मल्टीपल एड सेट्स होंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे, रन करेंगे फॉर 4-5 डेज, उसमें से जो परफॉर्मिंग होंगे उसको हम रहने देंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एड्स होंगे उसको हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन आप अभी परेशान ना हो इतना सोच के कि ये करना है आप तो डरा रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी इस वक्त हमने सिंपल बस ये किया कि कैंपेन क्रिएट किए, CBO को ऑफ रखा हुआ है हमने, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ रखा हुआ हमने। इसके बाद हम आ चुके हैं एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बजट डिफाइन किया 500 रुपीज़। उसके बाद मैंने जो किया है वो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन है, तो इसमें हम आपने कर जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है इसमें, वो तो आपने करनी ही होती है। लोकेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपका ये प्लान है कि आपने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देनी है तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एडिट में यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे एडिट में ये दो चीज़ें पूछ रहा है, देखिए पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये रिसेंटली का वर्ड आपने यहाँ पे हटाना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इस वक्त जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, ताकि आपका एड उन इररेलीवेंट लोगों को ना दिखे जो पाकिस्तान में रहे थे लेकिन इस वक्त नहीं रह रहे, क्योंकि अक्सर लोगों ने अपनी लोकेशन में पाकिस्तान या कराची या जो भी एक्स वाई जेड सिटी उसको डिफाइन किया हुआ होता है लेकिन करेंटली वो उस वक्त रह नहीं रहे होते। तो आपने यहाँ पे कोशिश करने की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, तो हम ओवरऑल पाकिस्तान को उस वक्त टारगेट कर रहे हैं इसमें। अगर आप देही इलाकों को विलेजेस को टारगेट नहीं करना चाहते, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरा ऐड मेन सिटीज़ में दिखे, तो उससे उसमें आप यहाँ पे सिटीज़ को जो है वो यहाँ से पाकिस्तान को क्रॉस करेंगे और इस तरह से, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया कराची, सही है कराची, अभी कराची में दिखेगा, लाहौर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, पिशावर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरह मैं मल्टीपल सिटीज़ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त हम रिकमेंडेड ये कि आप पूरे पाकिस्तान में अपने ऐड दिखाएं, आप ये ना करें कि आप किसी स्पेसिफिक जो है वो लोकेशन पे पाकिस्तान की वो ऐड दिखा रहा हूँ। अगर आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में ही अपनी डिलीवरी को इनेबल रखें, तो आप यहाँ पे इस तरह से पूरे पाकिस्तान को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ई कॉमर्स में वर्क कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ फेक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं कुछ पार्टिकुलर सिटी से, मिसाल के तौर पर एक सिटी था उस पर लोग डमी ऑर्डर प्लेस कर रहे थे उस सिटी से, मींस के वो ऑर्डर मेरी वेबसाइट पर आके प्लेस कर देते, लेकिन जब उनको कन्फर्मेशन कॉल करो तो बोलते थे नहीं जी हमने तो नहीं किया प्लेस, गलती हो गई, वो तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या होता है, तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। और अगर आपने कॉल कन्फर्मेशन नहीं की ऑर्डर प्लेस होने के बाद, तो रिटर्न आपका पार्सल रिटर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
तो समटाइम्स हम ये करते हैं कि उस जगह को हम एक्सक्लूड कर देते हैं उस सिटी को, जब बहुत ज़्यादा वो सिटी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। क्योंकि समटाइम्स जो ऐसा होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो फेक ऑर्डर्स प्लेस करवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड एक्सक्लूड, तो उन लोकेशंस को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ पार्टिकुलर सिटीज़ में नहीं दिखाना चाह रहे अपना ऐड फॉर एनी रीज़न, तो आप यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस सिटी को आप निकाल सकते हैं अपनी लिस्ट में से। तो उम्मीद है कि आपने बात पिक कर ली होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि फेसबुक तो आपको आपका ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखाएगा। फेसबुक ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको प्रॉफिटेबल सेल्स किस तरह निकले, तो समटाइम्स वो आपका ऐड उन रिमोट एरियाज़ में भी दिखा रहा होता है ताकि आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दे सके, कि जिन एरियाज़ जो एरियाज़ आपके माइंड में भी नहीं होती। सपोज़ आपके पास एक ऑर्डर आ रहे हैं चीचा वतनी से या किसी भी एक्स वाई जेड ऐसे सिटी से या ऐसे विलेज से जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना, तो फेसबुक पुश करता है बेसिकली अपने ऐड को उन एरियाज़ में कि जहाँ से फेसबुक को लगता है कि उसको उसका पोटेंशियल कस्टमर मिल सकता है। अगर आप सिर्फ सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो आप अपनी ऑडियंस को बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किल हो जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं और आपका ये गोल है कि भाई मैंने जो फर्नीचर है वो सिर्फ विद इन द सिटी ही सेल करना है, अगर आप पेशावर में रहते हैं आपका इरादा ये कि मैं सिर्फ पेशावर के अंदर ही सेल आउट करूं उसको, पेशावर से बाहर ना करूं, क्योंकि आप दे भी नहीं सकते, हो सकता है आपकी अपनी कन्वेंस हो सकता है आपका अपना पिकअप हो, तो उसके ज़रिए आप वो फर्नीचर डिलीवर करवाते हो, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पूरे पाकिस्तान में टारगेटिंग नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट अपनी कहाँ कहाँ सेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपकी एक जनरल प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग कोई कॉस्मेटिक आइटम आप सेल कर रहे हैं, कोई सप्लीमेंट आप सेल कर रहे हैं, क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ आप सेल कर रहे हैं, तो ये तो ऐसी चीज़ें जो आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवा सकते हैं। इसका ना ज़्यादा वेट होता है ना इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर शेल्फ में पड़ा रहे तो ख़राब हो जाए, तो इसको डिलीवरी देना कोई इतना मसला नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एज यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं किस एज के लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई मेरा जो ऐड है वो सिर्फ 40 साल के लोगों तक दिखे। देखिए, आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक ने आपका ऐड उसी बंदे को दिखाना है जिसके मुताबिक फेसबुक को लगता है कि उस बंदे ने रिस्पॉन्ड करना है आपको, तो ये फैसला आप फेसबुक के ऊपर छोड़ दें। जेंडर्स, समटाइम्स आपको जेंडर्स यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं। कुछ वेमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हैं, लाइक आप मस्कारा सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट इज़ इररिलेवेंट कि आप मैन को भी वो ऐड दिखाएं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप वेमेन ही आपका जो है वो ऐड दिखें, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जैकेट जो है वो मोस्टली मैन रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम मैन सिलेक्ट कर देते हैं कि हमारा जो ऐड है वो सिर्फ मैन हजरात जो मर्द हजरात हैं उनको दिखें। जब भी हम यहाँ पे कोई भी टारगेटिंग करें या कुछ भी सेटिंग करें, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो ऑडियंस डेफिनेशन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा हो योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड, ये ग्रीन शो हो रहा हो। इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप यहाँ पे इसको ग्रीन रहने दें, बहुत ज़्यादा ब्रॉड पे भी नहीं जाना आपने, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पे भी नहीं जाना। फेसबुक आपको खुद बता रहा है कि भाई ग्रीन इज़ गुड। इसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, टारगेटिंग नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट अपनी कहाँ कहाँ सेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपकी एक जनरल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक ऑर्डर्स प्लेस करवाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड एक्सक्लूड, तो उन लोकेशन। अच्छा, इसके बाद कनेक्शंस में अब ये पूछ रहा है कि भाई किस तरह के लोगों को आप प्रेफरेंस देंगे कि वो ये ऐड देखें। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। इस ऑप्शन को भी आपने नहीं छेड़ना, इसको भी आपने ऑल रहने देना, ऑल पीपल रहने देना, राइट।
अब यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन प्लेसमेंट का कि आप अपना ऐड किस किस जगह पर फेसबुक की प्लेस करना चाह रहे हैं। देखिए मल्टीपल प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आपका फेसबुक ऐड विजिबल होता है, आपके राइट कॉलम ऐड्स होते हैं जो शुरू में मैंने इसको उसमें डिस्कस किया था, आपके न्यूज़ फीड ऐड्स होते हैं, आपके इन स्ट्रीम ऐड्स होते हैं, आपके जो होते हैं वो इंस्टा के ऊपर ऐड शोर होते हैं, मल्टीपल प्लेसेस होती हैं, आपकी स्टोरीज के ऊपर ऐड शोर होते हैं, आपकी फेसबुक रील्स जो होती हैं जो कि आजकल बड़ा फेसबुक मेन है, टिकटॉक टिकटॉक लाइक स्टाइल की जो वीडियोस होती हैं फेसबुक के ऊपर, शॉर्ट्स जो बनते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे आपका ऐड शो हो कि ना हो। तो यहाँ पे आप अगर मैनुअल प्लेस करेंगे, इंस्टाग्राम अभी हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क को भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको आपने कोशिश करनी है कि ऑटोमेटिकली रहने देना। फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि फेसबुक ने आपका ऐड कब कहाँ कैसे दिखाना है। अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है या डायमेंशंस बाकी जगह मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि फेसबुक फीड पे लाजमी दिखाएं, और फेसबुक अगर वीडियो ऐड है तो फेसबुक वीडियो फीड का भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, फेसबुक वीडियो फीड, यहाँ पे इन दो में एटलीस्ट लाजमी दिखाएं। अभी मैनुअल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट नहीं है, इट मे शो सम एरर, तो मैं भी चाहता हूँ कि अभी मेरा जो ऐड हो फेसबुक फीड पे दिखे, फेसबुक वीडियो फीड पे दिखे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे मुझे फिलहाल नीड नहीं है दिखाने की, मैं नहीं दिखाना चाहता, मैसेंजर इनबॉक्स में रहने देते हैं, ठीक है दिख जाए इस पे भले। मल्टीपल ऑप्शन है, इन स्ट्रीम में जो आपका ऐड है वो हमेशा आपकी जो नॉर्मली वीडियोज होती हैं वो दिखती, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज में आपका ऐड जो होगा वो दिखेगा, इससे रील्स ओवरले हो गई, सर्च रिजल्ट में आपका ऐड दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए बिल्कुल, इन आर्टिकल आपका दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, अच्छा ये कैसा दिखेगा ये इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दे रहा होता है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें नहीं इन्वॉल्व है। फिलहाल मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। मैं नॉर्मली जो रखता हूँ वो ऑटोमेटिक ही रखता हूँ ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिड कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, कन्वर्जन रखना है या क्या रखना है, इसको आपने जो है वो कन्वर्जेशन, सॉरी कन्वर्जेशन रखना है इसको हमेशा, अगर आप मैसेज कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसको कन्वर्जेशन ही रखना है। अब ये बोल रहा है कन्वर्जेशन में होता क्या है, अभी वी विल डिलीवर योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्जेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनको मैसेजिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है और वो आपसे सिमिलर ऐड देख के फॉरन मैसेजेस करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बेस पे फेसबुक उनको ऐड जो होगा वो आपका शो करने लगेगा, ठीक है। बिट कंट्रोल, बिट कंट्रोल के ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, बिट कंट्रोल के ऑप्शन में ये होता है कि आप फेसबुक को लिमिट कर देते हो कि भाई इतने की सेल मेरी निकल ली होगी तो फिर मुझे ऐड जो दिखाना पड़ना, बजट कंज्यूम नहीं करना। सेट अप बिट कंट्रोल इफ यू वांट टू कंट्रोल योर मैक्सिमम बिट इन एवरी ऑप्शन, बाय सेटिंग अ बिट कंट्रोल यू आर टेलिंग मेटा हाउ टू बिट ऑन रिजल्ट्स, इफ योर ऐड सेट रिक्वायर्स अ कन्वर्जन विंडो यूज दैट टू डिटरमाइन योर बिट कंट्रोल टू, इफ यू डोंट सेट वन मेटा विल फोकस ऑन स्पेंडिंग योर एंटायर बजट इन गेटिंग द मोस्ट रिजल्ट। आप फेसबुक के ऊपर टोटली छोड़ रहे हैं ये चीज, सही है, फेसबुक डिसाइड करेगा कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या देनी है, तो बिट कंट्रोल के ऑप्शन को हम वैसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हेन यू आर चार्ज्ड, इन दोनों ऑप्शन को आपने वैसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। फेसबुक पूछ रहा है कि भाई जो फेसबुक आपको चार्ज करेगा वो इंप्रेशन की बेस पे करता है चार्ज हमेशा, जितना ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है उतना ज्यादा फेसबुक आपको उस हिसाब से हम इन चार्ज करता है, उतना ज्यादा नहीं उस हिसाब से चार्ज करता है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, तो ये ऑप्शंस आपने ऐसे ही रहने देने, इसमें ज़्यादा मजीद कुछ छेड़खानी नहीं करनी। तो ये आपने सेटिंग कर ली पूरी अपने एड सेट की, एड सेट के बाद जब आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब तीसरा लेवल आता है एड का आपके, तीन लेवल जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहला कैंपेन है आपका, कैंपेन के बाद दूसरे नंबर पे एड सेट है जो कि कैंपेन के अंदर होते हैं, एड सेट के अंदर जो होते हैं आपके इनसाइड एड सेट आपके एड्स होते हैं। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अभी नाम क्या रखना है अपने एड नेम क्या रखना है, वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पेज ऑलरेडी डिफाइंड, सिलेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको छोड़ देना, टू प्लेस एड्स ऑन इंस्टाग्राम प्लीज सिलेक्ट एन इंस्टाग्राम अकाउंट टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, ठीक है। इसको फिलहाल हम काम नहीं करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसको मैं यहाँ से ऑटोमेटेड से हटा देता हूँ, मैनुअल कर देता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया था इसका, इंस्टाग्राम मैंने यहाँ से हटा दिया, ऑडियंस नेटवर्क हटा दिया, फेसबुक
फेसबुक फीड पर रहने मैं चाहूंगा कि दिखे, वीडियो फीड मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि फिलहाल ये मैं जो ऐड यूज करूंगा वो इमेज ऐड होगा। रिकमेंडेड आपको ये कि आप वीडियो ऐड यूज करें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियो एड्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स बेहतर होता है फेसबुक के ऊपर। लेकिन अभी क्योंकि जस्ट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ तो इसलिए मैं जैकेट्स की वीडियो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इमेज ऐड ही यूज़ करूँगा और एक अच्छा इमेज ऐड यूज़ करूँगा जिसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि इमेज के ऊपर कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो वीडियो एड्स होते हैं ये रिलेटिवली बेटर होते हैं कंपेयर टू इमेज एड। तो फेसबुक फीड हो गया आपका, इंस्टाग्राम फीड मैंने हटा दिया यहाँ से, मार्केट प्लेस पर मैं नहीं दिखाना चाहता इसको, मैसेंजर इनबॉक्स पे फाइन, स्टोरीज एंड रील्स पर मैं नहीं दिखाना चाहता इसको क्योंकि मैं इमेज ऐड यूज़ कर रहा हूँ। इन स्ट्रीम में मैंने नहीं दिखाना, सर्च में बेशक आ जाए, मैसेजेस में इन आर्टिकल में बेशक आ जाए, नो इशू। ठीक है, तो इस तरह फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अच्छा ऐड अ वैलिड पेमेंट मेथड टू योर ऐड अकाउंट। अब आपका ऐड जो उस वक्त तक पब्लिश नहीं होगा जब तक आप अपना जो पेमेंट मेथड उस कार्ड से पेमेंट चार्ज हो, उसके बाद कार्ड खत्म, टाटा बाय बाय। तो आप इस तरह वन टाइम यूजेज वाले कार्ड भी उसमें बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे जो आपने यूज करना है वो रीलोडेबल कार्ड यूज करना है क्योंकि आप बार बार उसी कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। डेबिट कार्ड जिनके मेरे साथ एक्सपीरियंस रहे वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अमेजॉन ट्राई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फैसल बैंक का जो वर्चुअल कार्ड है वो यूज़ किया, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि उसमें आपके पैसे नहीं कटते, चार्जेस नहीं कटते। अभी मेट्रो का डेबिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो आपकी इंटरनेशनल जो ट्रांसैक्शन चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं और वो अच्छे खासे होते हैं, तो आपने वो यूज़ नहीं करना। फैसल बैंक का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा आप नया पे या सादा पे के कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जो नया पे होता है ये न्यू जो एप्लीकेशन लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, तो आप नया पे का भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं फेसबुक की पेमेंट करने के लिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे मैंने करना ये कि अगर आपका फेसबुक पेज ये सिलेक्ट नहीं हुआ जिस पे आप काम कर रहे हो, तो ये पेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये पेज सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट ऐड के ऊपर आप आएंगे। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने क्या ऐड क्रिएट करना है, तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे फर्दर ऐड क्रिएटिव के ऊपर ऐड मीडिया। अब ये मुझसे पूछेगा भाई आपका ऐड मीडिया क्या होना चाहिए। इसमें मैं या तो ऐड इमेज कर सकता हूँ या तो ऐड वीडियो कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। जैसे ही मैंने ऐड इमेज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो मैंने फोल्डर्स बनाए हुए थे वो सामने आ गए, अपलोड करने का ऑप्शन आया मेरे पास। अपलोड पर मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ गए, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे जब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, मेन ऐड पे मैं जाता हूँ, ये जैसे मैंने ऐड डिज़ाइन किया एक, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ऐड जो है वो मेरे पास अपलोड हो चुका है और इसके बाद मैं इसको इसी पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। क्रॉप आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, जो आप कैनवा के ऊपर ऐड बनाएंगे ना अपना, वो उसका एस्पेक्ट रेशो जो होता है वो 1:1 होना चाहिए, विच मीन्स कि उसकी जो रेजोल्यूशन आपने रखनी है वो ये रखनी है 1080x1080 या 1000x1000 बराबर रखते हैं। मिनिमम फेसबुक पे जो रेजोल्यूशन होती है वो ये लगती है 1080x1080, तो आपने यही रेजोल्यूशन रखनी है। इस तरह स्क्वायर शेप का आपका ऐड बनेगा, ऐसा ना हो कि आप उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में बना दें या उसको आप उसकी डायमेंशन आप छेड़ दें तो वो बहुत अगली लगेगा और उस पर कन्वर्जन भी जो होगी वो लो हो जाएगी, तो ये आपने नहीं करना। आपने जो विड्थ देनी है वही हाइट भी देनी है, सेम देनी है और मिनिमम ये इतनी ही होनी चाहिए 1080p। तो देखें मेरा जो ऐड बना वो स्क्वायर बना और वो फेसबुक के साथ बड़ा रेलेवेंट है, ये बिल्कुल फिट आ रहा है फेसबुक का जो बॉक्स होता है इसमें। इसको आपने ओरिजिनल रहने देना, फीड्स इन स्ट्रीम वीडियोस इसको ओरिजिनल रहने देना, इसके बाद डन कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये अब ये प्रीव्यू दे रहे हैं कि लेदर क्रू का इस तरह ये लोगो होगा।
अब देखें यहाँ पे मैंने एक चीज का ख्याल रखा है, अपनी ब्रांडिंग मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी, अपनी ब्रांडिंग मैंने कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं होने दी। अब देखें मेरे पेज का जो लोगो है इसमें जो डोमिनेंट कलर्स हैं वो ब्लैक और वाइट है, और मेरा जो एड है इसमें भी मुझे जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट मैंने डोमिनेंट रखा हुआ है। इवन कि जो मैंने लेदर जैकेट भी यूज़ की है, ये मैं इसको ज़रा नीचे ले आऊँ, सॉरी। तो देखिए ये मेरे जो कुछ स्टूडेंट ने काम किए थे मुझे दिखाए थे, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की थी तो कुछ एड क्रिएटिव्स और कवर फोटोज उन्होंने बना के मुझे सेंड किए थे, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग थी कि आपकी ब्रांड की जो लुक होती है वो ख़राब हो रही, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, कुछ ने ऐड बनाए थे वो थोड़े से मैसी हो रहे थे। तो आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग में इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके कस्टमर ने देखना ही बेसिकली है, उसके न्यूज़ फीड में उसको ये ऐड दिखेगा लेदर जैकेट्स 30% ऑफ और ये एक बंदा खड़ा हुआ है न्यू अराइवल लिखा हुआ है, तो आपके कस्टमर को दिखना ही बेसिकली है, तो इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कोई भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, कॉस्ट पर रिजल्ट में राइज ड्यू टू फ्यू एड क्रिएटिव्स, एज यू ओनली हैव वन इमेज और वीडियो, योर ऑडियंस मे सी द सेम एड टू मेनी टाइम्स एंड स्टॉप नोटिसिंग इट, टू अवॉइड दिस क्रिएट एन एडिशनल एड विद अनदर इमेज और वीडियो। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एड क्रिएटिव जो होता है आपका वो कोशिश करनी कि मोर देन वन हो, दो से तीन एड क्रिएटिव्स आपने बनाने हैं, अपने सिर्फ एक एड क्रिएटिव आपने नहीं बनाने बनाना, आपने कोशिश करनी है कि एक से ज़्यादा जो है वो एड क्रिएटिव आपने यूज़ करने हैं। इस पर वो कैसे, वो ऐसे कि इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्विकली डुप्लीकेट करूँगा और इमेज चेंज कर दूँगा, तो मेरी सेटिंग जो होगी वो मेरे एड की वही रहेगी, बस मेरा जो इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी, उससे पहले हम यहाँ पर अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा अब हमें जो लिखनी है वो अपनी एड कॉपी लिखनी है, ऐड तो हमने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव तो लगा दिया, ऐड क्रिएटिव के ऊपर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कुछ लाइंस होती हैं यहाँ पे जिसको हम ऐड कॉपी कहते हैं, तो ऐड कॉपी आप खुद भी लिख सकते हैं, लाइक परचेस प्रीमियम क्वालिटी लेदर जैकेट्स इन 30%। तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, कॉस्ट पर रिजल्ट में राइज ड्यू टू फ्यू एड क्रिएटिव्स, एज यू ओनली हैव वन इमेज और वीडियो, योर ऑडियंस मे सी द सेम एड टू मेनी टाइम्स एंड स्टॉप नोटिसिंग इट, टू अवॉइड दिस क्रिएट एन एडिशनल एड विद अनदर इमेज और वीडियो। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एड क्रिएटिव जो होता है आपका वो कोशिश करनी कि मोर देन वन हो, दो से तीन एड क्रिएटिव्स आपने बनाने हैं, अपने सिर्फ एक एड क्रिएटिव आपने नहीं बनाने बनाना, आपने कोशिश करनी है कि एक से ज़्यादा जो है वो ऐड क्रिएटिव आपने यूज़ करना है। इस पर वो कैसे, वो ऐसे कि इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्विकली डुप्लीकेट करूँगा और इमेज चेंज कर दूँगा, तो मेरी सेटिंग जो होगी वो मेरे ऐड की वही रहेगी, बस मेरा जो इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे है वो मैं बताता हूँ अभी, उससे पहले हम यहाँ पर अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा अब हमें जो लिखनी है वो अपनी ऐड कॉपी लिखनी है, ऐड तो हमने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव तो लगा दिया, ऐड क्रिएटिव के ऊपर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कुछ लाइंस होती हैं यहाँ पे जिसको हम ऐड कॉपी कहते हैं, तो ऐड कॉपी आप खुद भी लिख सकते हैं, लाइक परचेस प्रीमियम क्वालिटी लेदर जैकेट्स इन 30% ऑफ inbox us for more detail, inbox us for more detail। यहाँ पे मैं स्पेस जो है भी थोड़ी सी बुरी लग रही है, तो उसको मैं स्पेस को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं इसी में प्राइमरी टेक्स्ट में, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ये एड कॉपी हो गई आपकी।
तो इस तरह आप एड कॉपी जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एड कॉपी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट है एनी वर्ड, उस पर भी जाके आप एक अच्छी सी एड कॉपी लिख सकते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अच्छा तो जी, ये एक टूल है स्टोरी स्टोरी लैब .ai, ठीक है। इस पे आप सिंपली साइनअप कर लेंगे, फ्री साइनअप हो जाता है, बहुत इजी है। इस तरह यहाँ पे ये आपके पास ओपन होगा, स्टोरी लैब .ai। इस पे आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करेंगे, फेसबुक एड कॉपी जनरेटर, ये आपने यूआरएल देख लेनी है इधर, एज इट इज़ ये यूआरएल आपने लिखनी है। इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको देख सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप फेसबुक एड हेडलाइन जनरेट कर सकते हैं। लेदर जैकेट आप लिखेंगे, वन ये मतलब यहाँ पे टॉपिक आप लिखेंगे, उसके बारे में कुछ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद आप इंस्पायर मी पे क्लिक कर देंगे तो ये AI बेस्ड रिजल्ट्स आपको दे देगा। इस तरह की बहुत सारी साइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। लुकिंग फॉर अ नाइस लेदर जैकेट, नीचे ऐड क्रिएटिव आ गया। बाय दिस प्रीमियम क्वालिटी लेदर जैकेट टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। अब जैसे ये मैं इसके अलावा ये कैजुअल चिक ओरिजिनल डिजाइन एंड अफोर्डेबल फैशन, इन दोनों को भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मैं अपने ऐड में किया दोबारा वापसी, और यहाँ पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अच्छा दोबारा मैं इसमें आता हूँ और ये वाली लाइन भी उठा लेता हूँ। बाय दिस प्रीमियम क्वालिटी लेदर जैकेट टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्जी, अगर आप AI का टूल यूज़ करना चाहते हो तो AI का टूल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक एड कॉपी यहाँ पे डिफाइन कर दी, लिख दी, और उसके बाद आपने यहाँ पे इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल लिख दी। अब जैसे ही आपके पास लोग इसको देख के, अब देखें यहाँ पे आपका आपके जो कस्टमर होगा उसको ये ऐड इस तरह से दिख रहा होगा, ये आपकी एड कॉपी होगी, ये आपका ऐड होगा, और यहाँ पे सेंड मैसेजेस का ऑप्शन होगा। वो ऐड देखेगा, उसके बाद आपको मैसेज करेगा, डिटेल प्लीज टेल मी अबाउट मोर, डिफरेंट मैसेज आपके पास आएंगे। कोई खाली हेलो लिख के छोड़ देगा, कोई ऐसा होगा हाय लिख देगा खाली, कोई ऐसा होगा जो आपका जेन्युइन कस्टमर होगा। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल लोग आपको टेक्स्ट करेंगे दिन में। अगर आप 1000 रुपीज़ की कैंपेन चलाते हैं तो इसमें इजीली आपको 40-50 लोग अप्रोच कर लेंगे दिन में। उस 40-50 लोगों में आपकी सपोज कोई सेल निकल जाती है तो डैट मीन्स के 1000 रुपीज़ में आपने एक सेल निकाली, और आपने आप को सपोज सोर्सिंग कॉस्ट इसकी लेदर जैकेट की पड़ती है 4000 रुपीज़, और इसको आप सेल कर रहे हैं 7000 रुपीज़ में ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेदर जैकेट सेल करना शुरू कर दें, और एड कॉस्ट आपको पड़ जाती है इसमें 1000 रुपये। मीन्स के 1000 रुपये का आपने एड रन किया एक पूरे दिन में, मल्टीपल लोगों ने आपको 40-50 लोगों ने आपको मैसेजेस किए, और उसमें से एक बंदे ने खरीद ली, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना जमा हो गया 7000 रुपीज़। 4000 रुपये की आपने मार्केट से परचेज करनी थी ये जैकेट, और 7000 रुपये की आपने सेल कर दी, और 1000 रुपये आपके ऐड की कॉस्ट आ गई, तो टोटल आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा 2000 रुपये का। तो दिन में 1000 रुपये की कैंपेन चला के आपने यहाँ से इस तरह से 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट। ये तो मैं आपको उस सूरत में बता रहा हूँ कि आपसे एक ही कस्टमर परचेज करे, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। 1000 रुपये का आप ऐड चलाते हैं और आप इस तरह की कोई भी क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं तो इजीली आपके पास 3-4 सेल्स आ जाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि आ जाती हैं, कम बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा आ जाती हैं। तो 3-4 सेल्स आपके पास आ जाती हैं, और हर सेल के ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1000 रुपये, तो आप इजीली दिन में 3-4000-5000 रुपये, कोई बड़ी बात ही नहीं है अर्न करने से। ये मैं बहुत लो लेवल का बिजनेस आपको बता रहा हूँ ई कॉमर्स में। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने ऐड लगा दी, आपने अपनी ऐड कॉपी बना दी, आपने जो है वो ठीक है स्टार्ट कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है देखें स्टार्ट कन्वर्सेशन का, अब इसको एडिट कर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ प्री टेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो जैसे आप कस्टमर आपके मैसेंजर को क्लिक करें उसके पास उसको FAQs दिख जाए,
तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, आपका कस्टमर जब मैसेंजर ऑन करेगा तो उसको ये दिखेगा हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे आप FAQs डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कस्टमर आपसे पूछे प्लीज प्लीज शो मी वेराइटीज, शो मी प्लीज गिव मी डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ योर लेदर जैकेट। तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करे उसके पास एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जनरेट।